इंडियन टीवी न्यूज, देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन टीवी न्यूज। आइए आपको ले चलते हैं आज की बड़ी खबर पर। उत्तरांचल रोडवेज कर्मचारी यूनियन के कमाऊ क्षेत्र की क्षेत्रीय बैठक हल्द्वानी बस स्टेशन में यूनियन के कैंप कार्यालय में संपन्न हुई, जिसमें बागेश्वर, अल्मोड़ा, रानीखेत, भवाली, काठगोदाम, हल्द्वानी, रुद्रपुर, काशीपुरा, रामनगर डिपो के कर्मचारी उपस्थित रहे। कर्मचारियों ने बैठक के उपरांत बस स्टेशन परिसर में सांकेतिक विरोध प्रदर्शन भी किया। बैठक में कर्मचारी समस्याओं और विभाग हित की समस्याओं पर चर्चा हुई। कर्मचारियों ने निगम प्रबंधन पर आरोप लगाया कि परिवहन निगम के लिए अभी तक बस बेड़ा उपलब्ध नहीं कराया गया और अनुबंधित बसों में बेड़ा लगातार बढ़ रहा है, जो नियम को धीरे धीरे दीमक की तरह लग कर खत्म कर रहा है। परिवहन निगम में पुनः एजेंसी प्रथा के टेंडर होने का विरोध किया गया। बैठक में इन समस्याओं पर चर्चा हुई। नंबर एक, यूनियन के साथ समझौता के अनुरूप विभाग के बस बेड़ा शीघ्र बढ़ाया जाए। नंबर दो, सीएनजी बसों की उपेक्षा, संचालन में निगम की बसों को प्राथमिकता दी जाए। नंबर तीन, एजेंसी को विभाग में पुनः लाने और अनुबंधित बसों पर रोक लगे। नंबर चार, बस के मार्ग में होने वाले ब्रेक डाउन हेतु डिपू में इसका रिकॉर्ड रखा जाए। नंबर पाँच, बंद पड़े पर्वतीय और मैदानी मार्गों में बसों का संचालन पुनः शुरू किया जाए। नंबर छः, कर्मचारियों के परिचय पत्र, ईएसआई कार्ड और गोल्डन कार्ड जल्द उपलब्ध कराए जाए। नंबर सात, सीएनजी बसों को बस स्टेशन पर समय के अनुरूप ही मंगाया जाए। नंबर आठ, यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अनुबंधित सीएनजी और वॉल्वो बसों में एक ही चालकों द्वारा डबल ड्यूटी की जा रही है, इसके लिए हर डिपो में समीक्षा की जाए। नंबर नौ, 1900 से 2400 ग्रेड पे पूर्व की तरह बहाल किया जाए। नंबर दस, दिल्ली देहरादून मार्ग में अनुबंधित ढाबे की बाध्यता समाप्त की जाए। ढाबा मालिकों की मनमानी के खिलाफ अन्य ढाबों का भी अनुबंध किया जाए। नंबर 11, कुमाऊं क्षेत्र के रुद्रपुर में होने वाले प्रांतीय अधिवेशन को सफल बनाने को रणनीति। नंबर 12, कुमाऊं मंडल के सभी डिपो में स्पेयर पार्ट्स की पूर्ति की जाए। बैठक की अध्यक्षता मंडल अध्यक्ष दयाल जोशी, संचालक ललित प्रसाद ने की। बैठक में प्रदेश अध्यक्ष कमल पपने, प्रांतीय उपाध्यक्ष एसडी पालीवाल, प्रांतीय संयुक्त मंत्री रघुवीर चौधरी, मंडलीय मंत्री गोपेश्वर श्रीवास्तव, प्रदीप शर्मा, जलील अहमद, आनंद बिष्ट, कैलाश कांडपाल, इकबाल अहमद, अख्तर चौधरी, जयप्रकाश, इमरान, सुरजीत तहलवार, राजेश यादव, भूपेंद्र राठी, मुकेश शर्मा, मनोज भट्ट, कमल धामा, जावेद अली, दिनेश दुमका, मोशाहिद, वाईपी कॉम, संदीप कुमार, भूपेंद्र सिंह, दिनेश जोशी, सुखदेव सिंह आदि लोग मौजूद रहे। जी बताइए, रोडवेज कर्मचारी ने बैठक की, क्या कुछ तैयारी की है, किन समस्याओं को लेकर आज बैठक की गई है? मंडल के सभी डिपो के अध्यक्ष मंत्रियों को ये निर्देश दिए गए हैं कि वो अधिक से अधिक संख्या में प्रांत के होने वाले प्रोग्राम में रुद्रपुर में सम्मिलित हों, अधिक से अधिक कर्मचारी लेके आए अपने, और ये जिससे कि इस प्रोग्राम को सफल बनाया जा सके। क्या कुछ प्रोग्राम है? प्रोग्राम ये है कि ये अनुबंधित बसें जो आ रही हैं हमारे यहाँ, इनका विरोध किया जाना है। निगम की बसें आनी चाहिए, अनुबंधित बसों पर रोक लगानी चाहिए। जहाँ रोडवेज कर्मचारियों ने बैठक की है, क्या कुछ तैयारी की है, क्या कुछ समस्या है रोडवेज कर्मचारियों की? अभी मेन हमारा मुद्दा यह है कि अभी हमारी प्रदेश स्तर की एक मीटिंग का आयोजन किया जाना है, जिसमें सभी डिपो के अध्यक्ष मंत्रियों को निर्देश दे दिए गए हैं कि अधिक से अधिक संख्या में रुद्रपुर ये प्रोग्राम को सफल बनाने के लिए वहाँ पर एकत्रित हुए, ये रणनीति बनाई गई है। अगर बस बेड़े की बात की जाए तो क्या कुछ? बस बेड़े के लिए हम ये चाहते हैं कि अधिक से अधिक निगम का बस बेड़ा हो, अनुबंधित गाड़ियां यहां पे ना आए, यही हमारा इसमें विरोध रहेगा। इसी तरह देश दुनिया की हर खबर को जानने के लिए देखते रहिए इंडियन टीवी न्यूज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ। इंडियन टीवी न्यूज, देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क।